नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड बिहार एसएससी सीजीएल 3 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि आखिर क्या कट ऑफ जा सकती है, कितना नंबर आपका सेफ स्कोर हो सकता है मेंस के एग्जाम के लिए, मिनिमम आपको कितना नंबर होना चाहिए, तो कंप्लीट वीडियो होने वाला है फ्रेंड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत तरह के आपको यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें किसी में 110 बताया जा रहा है, किसी में 105 बताया जा रहा है, किसी में कुछ बताया जा रहा है। तो एक कंप्लीट वीडियो है फ्रेंड, 6 दिन का मैंने एक पोल डाला था और 6 दिन बाद ही वीडियो ला रहा हूँ। तो मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पे और रिसर्च करने के बाद ही वीडियो लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो जैसा कि आपको पता होगा 23, 24 और 5 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था और पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो बिहार एसएससी का पेपर का लेवल कहीं से भी हार्ड तो नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे मैं स्टूडेंट को ये देख रहा हूँ कि मैंने 140 बनाया, 145 बनाया, तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस एग्जाम में अटेम्प्ट बहुत ही अच्छे हुए हैं, लेकिन कहीं से भी इसमें निगेटिव बहुत ही अच्छा हुआ है फ्रेंड। अगर आपने साइंस के क्वेश्चन को देखा होगा तो साइंस का क्वेश्चन आपको बीपीएससी या किसी भी एग्जाम से इसमें टफ आया था। दो चीजों जो थी जहां पे स्कोर किया जा सकता था, पहला तो मैथ्स था, दूसरा रीजनिंग था। अगर आपने 23 और 24 तारीख के रीजनिंग को देखा होगा तो करीब 8 से 10 ऐसे रीजनिंग थे जो निश्चित तौर पर टाइम टेकिंग थे और उसको स्टूडेंट ने छोड़ गया था। 23 और 24 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 23-24 तारीख के जो पेपर आए थे उसमें रीजनिंग के जो प्रश्न थे वो थोड़े से टफ लेवल के, थोड़े से टाइम टेकिंग थे। और बहुत सारे जो मैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट के देख रहा हूँ जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत ही अच्छा है, उनका भी 5 से 6 नंबर का मैथ्स रीजनिंग छूट के आया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ रीजनिंग टफ थे, बल्कि इसका मतलब ये था कि टाइम टेकिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सेंटर थे जहां पे 5 से 10 मिनट तक के टाइम को कम कर दिया गया था, लेट से क्वेश्चन दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मैथ्स रीजनिंग में जिनका बहुत अच्छा मैथ्स रीजनिंग था उसने भी 5 से 6 नंबर का छोड़ के ही आए थे। इसके अलावा रीजनिंग में फिगर का आपको पता होगा, फिगर काउंटिंग का, उसके साथ ही बहुत सारे सर्कल गिनने का इस तरह का प्रश्न था। तो ये सब जो होता है ये ऐसे रीजनिंग होते हैं फ्रेंड जिसमें निगेटिव होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। आप कितना भी पढ़ के जाइए किसी भी प्रकार से फिगर काउंटिंग में निगेटिव होने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्टूडेंट जिसका मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छा है उसने भी मैथ रीजनिंग में 5 से 6 गलतियां की थी। ये 23-24 तारीख की मैं बात बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अब 5 मार्च की, तो 5 मार्च में भी मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छे आए थे। हालांकि कुछ मैंने पेपर में देखे तो रीजनिंग का थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा था उसको थोड़ा सा इन्होंने कम किया था। बाकी यहाँ पे 5 मार्च में जो जीके का जो पोर्शन था वो पिछले पोर्शन से थोड़ा सा टफ आया था। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को पेपर इजी लग रहा होगा लेकिन जब वो मिलाने लगते हैं तो निगेटिव होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, अगर आपने पेपर को ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे अगर भाषा से बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन था, बंगाली भाषा कहाँ से है, ये हिंदी का कुछ था, तो ऐसे बहुत सारे 10 से 15 जीके के ऐसे क्वेश्चन थे जिसको कितना भी कोई स्टूडेंट पढ़ के जाए वो उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। तो ये 5 मार्च का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था। इसके साथ ही अगर साइंस का पोर्शन देखा जाए तो साइंस में अगर आपने देखा होगा तो साइंस एनसीईआरटी बेस्ड था और एनसीईआरटी की मैं बात करूं, मैं हमेशा से एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं और बहुत दिनों से मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन समझ में आए जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहे। अब समझ सकते हैं साइंस बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पूछा गया था। अगर कोई स्टूडेंट 60% अगर साइंस में स्कोर कर रहा है तो एक गुड स्कोर माना जाएगा। तो ये कुछ हो गया पेपर का लेवल। और जिनको ये लग रहा है कि पेपर बहुत आसान आया था तो निश्चित तौर पे पेपर को कठिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो निश्चित तौर पे कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाया जा सकता है और निगेटिव होने वाला पेपर था। ऑप्शन में बहुत सारे लोगों ने फंसे हैं। 5 मार्च का पेपर थोड़ा सा और मुझे टफ लगा। इस अनुसार से देखा जाए तो पेपर बहुत ही थोड़ा सा निगेटिव करवाने वाला था। तो कुल मिलाकर अगर कटअप की बात किया जाए फ्रेंड, तो कटअप जो डिपेंड करता है, जो इसके कटअप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो कटअप है आपको पता होगा, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो अप्रोक्स आने वाला है, वो आने वाला है 5 गुना। आपको पता होगा कि अप्रोक्स इसका 10 से 11 हजार के बीच आपका रिजल्ट आएगा। और इसके कटअप को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रीजन है, पेपर बहुत ही शानदार था, बहुत लोगों ने निगेटिव भी बहुत ही अच्छा किया है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट ने इसमें बहुत ही अच्छे निगेटिव करके आए, 140-145 वाले का निगेटिव हुआ है, लेकिन इसमें जो कटअप को बढ़ाएगा वो 5 गुना इसका रिजल्ट है। किसी भी अगर आप एग्जाम को देने जाएंगे, अगर पीटी मेंस वाला है तो उसमें 5 गुना नहीं 10 से 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो यहाँ पे मात्र 10 हजार रिजल्ट दिया जा रहा है, तो ये इसके कटअप को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आपका कटअप देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक
जहां से अभी मिला रहे होंगे वहां पे ये नहीं है कि आयोग किस प्रकार से आंसर देती है, इसके अनुसार आपका मार्क्स डिपेंड करता है। तो मुझे जहां तक लगता है आयोग का जो आंसर रहता है वो जनरली एक यूट्यूबर के आंसर से भी नहीं रहता, बहुत सारे उन्होंने के द्वारा गलत भी आंसर दे दिया जाएगा, आंसर की तो दिया नहीं जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक एवरेज मेरे अनुसार से कटअप जहां तक लगती है, तो एक स्टूडेंट जिनका 110 नंबर आ रहा है उनको मेंस की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आयोग की तरफ से आंसर की नहीं दिया गया है। जिनका 110 आ रहा है उनका 115 18 भी हो सकता है, और जिनका 115 18 आ रहा है उनका 108 107 भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पे अभी से आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए, 2 से 3 महीने आपके पास समय है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मौका है बिहार सीजीएल, और मेरे अनुसार से 110 से नीचे कटअप नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 गुना ही रिजल्ट दिया जा रहा है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे, कहीं पर से भी कम क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। तो मेरे अनुसार से 110 से प्लस ही रहना चाहिए कटअप। बाकी ईडब्ल्यूएस का कटअप तो आपको पता ही होगा, ओबीसी से 1-2 नंबर कम रहेगा, तो 105 108 के बीच में मुझे जहां तक लगता है कि ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट हो जाना चाहिए, और ओबीसी का भी। यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का बहुत ही कम कटअप जाएगा, क्योंकि उनका उन लोग का मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है। तो यहाँ पे मेरे अनुसार से जिनका 100 के अप्रोक्स अगर आ रहा है तो उन पे लड़कियों लोगों का एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने अपने आधार पर इस कटअप के वीडियो को बनाया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।